पुराने मटेरियल से सचिवालय की कराई जा रही है मरम्मत एवं ठेके से कराया जा रहा है काम। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के सीतापुर के विकास खंड माहौली के अंतर्गत ग्राम सभा परागपुर ग्रांट के अंतर्गत नानकपुर का मामला है, जहां पर बन रहे सचिवालय में पुरानी ईंटों से मरम्मत कराए जाने का आरोप ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया है एवं मोरंग की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ये काम ठेका देकर के हो रहा है, काम मूडा का ठेकेदार ठेका लेकर के काम करा रहा है, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया। रिपीट, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने जब ग्राम प्रधान खुशीराम से फोन पर बात की तो ग्राम प्रधान ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया एवं कहा कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे। खबर में मौजूद है ग्राम प्रधान से की गई बात का ऑडियो रिकॉर्ड। सरकार की तरफ से विकास कार्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये ग्राम प्रधान घटिया मटेरियल लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो मनरेगा चलाया गया है, मनरेगा के अंतर्गत गरीब मजदूरों को काम मिले और मजदूरों को कहीं बाहर जाकर के काम ना करना पड़े, इसलिए मनरेगा केंद्र सरकार ने चलाया है, लेकिन ग्राम प्रधान मजदूरों को काम न दे करके ठेके पर काम करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राम बंजरिया में नाली पानी और कीचड़ से भरी पड़ी हुई है। सफाई कर्मी गाँव में सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। आज देश भर में गंदगी से संक्रमण फैल रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सी बीमारियां भी हो रही हैं, लेकिन सफाई कर्मी घर बैठे सरकार से वेतन ले रहे हैं एवं कार्य क्षेत्र में जाने का नाम नहीं ले रहे। चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे सफाई कर्मी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी, किसी को शासन का कोई भय नहीं है, ना ही योगी सरकार ना ही मोदी सरकार। सब अपनी मनमानी करने पे लगे हुए हैं एवं मोदी सरकार एवं योगी सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। लगातार गाँव के विकास पर मीडिया द्वारा खबरें दिखाने के बावजूद भी प्रशासन नींद से नहीं जग रहा और अपनी मनमानी कर रहा है। यह आलम है जिला सीतापुर के विकास खंड माहौली के अधिकारियों का एवं ग्राम प्रधान के सारे विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही होते हैं। मटेरियल पुराना लगाया जा रहा है, आखिर ये गड़बड़ घोटाला कब तक चलता रहेगा? ये भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा या नहीं? हाँ भैया बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? ईटा सा पुरानी बंजरिया स्कूल से आई उखाड़ के, रोशन वहाँ किचन बना था खाना वाला। अच्छा, जो ये ईटा पुरानी आई है यहाँ पर सचिवालय बनने के लिए, ये बंजरिया के स्कूल से आई है? क्या सरकारी स्कूल है वो? सरकारी स्कूल है तो वहाँ से तोड़वा करके यहाँ सचिवालय बनवाने के लिए लाए हैं प्रधान जी। अच्छा, ये जो यहाँ का काम हो रहा है ये ठेके में हो रहा है या इसे? ठेके में हो रहा है, ये ठेका प्रधान ने दिया है। अच्छा, तो ये जो जो जितनी भी ईटा ये पुरानी आई है सब यहाँ बनने के लिए आई है बंजरिया स्कूल से? अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है आपका? ये मौके पर आई है तो बताई बा, मतलब हर चीज कोई कर्मचारी या कोई हक मुक्का आई? हाँ, यह ईटा आई कहाँ से नहीं है बाबा? अब यही काम बताई नहीं पाई बा, हम तो अपने गाय ने भैंसी रंग में रही थी है, अब तुम पता है कहाँ तेरे भर लाए हो। अच्छा, काहे के लिए आई है ये बताओ? काहे के लिए आई है? आई है सचिवालय के लिए, सचिवालय बनने के लिए। हाँ, ये पुरानी ईटा? हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ ये बताइए जो काम चल रहा है ये कैसे चल रहा है? ठेके पे चल रहा है नरेगा से? अब यहाँ हम नहीं बता जत्ते बात मालूम है। ठेके से चल रहा है? हाँ, ठेके से मुड़ा वाले के, मुड़ा वाले ठेका लिए हैं। हाँ। अच्छा, और लेबर यहाँ गांव के नहीं लगे हैं? जो है भाई वो दो लेबर गांव के हैं। हाँ। और बाकी लेबर कहाँ के हैं? बाकी लेबर तीन लेबर है चल रहे हैं। सिर्फ कितने दिन से तीन लेबर चल रहे हैं? अरे मुश्किल कहीं है, कितने दिन हो गए लगभग काम चालू हुई है यहाँ? 12-13 तीन ही लेबर चल रहे हैं? तीन लेबर काम कर रहे हैं 12-13 दिन से। अच्छा, तो ये ठेका किसने लिया है? मूड़ा वाले, मूड़ा कौन है जो ठेका लिया है? हम नाम नहीं पता। अच्छा, तो ये ठेका तो प्रधान ने दिया होगा ना यहाँ? अच्छा, प्रधान यहाँ खड़े रहे। क्या नाम आपका? क्या नाम है? विनोद। कौन सा गाँव आपका? नानकपुर। आपका क्या नाम है? सुशील। कौन सा गाँव है आपका? नानकपुर। दादा आपका क्या नाम है? मेवालाल। कौन सा गाँव है आपका? नानकपुर।